हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विषय गणित प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 3 हल करना सीखेंगे। देखो, इसमें 8 सवाल है, घटाइए। पहला है वाई स्क्वायर में से माइनस का 5y2। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, देखो कैसे है। इसके पहले मैंने आपको जोड़ना सिखाया था, तो हमने जोड़ का चिन्ह लगाया था, अब हम घटाएंगे तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे। तो देखो, हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, इस मै से की जगह माइनस का चिन्ह, चूंकि हमको घटाना है। क्या घटाना है? कॉस रख दो माइनस का 5y2, राइट। अब देखो, इसको यहल करेंगे हम, ये वाई स्क्वायर वैसा का वैसा। अभी देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस ये 5y2। तो देखो, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, दोनों प्लस किए तो 5y2 और 1y2 ये रहा, तो 6y2 हो गया। ये जोड़ देना इसको, 6y2, राइट। इसी प्रकार देखो बच्चों, इसका दूसरा सवाल, इसमें लिखा माइनस का 12xy में से हमको घटाना है 6xy। तो देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान देना आप, अच्छी तरह सीखना हल। ये माइनस का 12xy घटाने का चिन्ह, अब हम घटाएंगे 6xy। तो देखो, दोनों माइनस की बन गई, तो अब जुड़ जाएगा ये चिन्ह, तो माइनस ही रहेगा, संख्या 12 और 6 जुड़ जाएगी। ये 12xy, ये 6xy, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का हो गया 18xy, राइट। अब देखो बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में लिखा ए प्लस बी में से घटाना है हमको a माइनस बी, राइट। तो देखो कैसे घटाएंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी, ये घटाने का चिन्ह, अब क्या घटाएंगे a माइनस बी, राइट। इस सवाल को यहीं कर दूंगा मैं, देखो आगे। अब ये a प्लस बी, अब कोष्ठक खोलेंगे तो ये प्लस का था, ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस का ए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का बी बन जाता है, क्योंकि समान चिन्ह का गुणा प्लस बन जाता है। अब देखो बच्चों, माइनस ए से प्लस का ए तो कट गया, एक बी और एक बी कितना बन जाता है, 2b, ये आंसर आ गया, राइट। देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4, बी 5 माइनस ए में से घटाना है a b माइनस 5, राइट। देखो कैसे घटाएंगे, पहले आप गुणा करके कोष्ठक खोल दो, इन दोनों को गुणा 20 से कर दो, 5 को 20 से गुणा किया 5b, माइनस 1 को 20 से गुणा किया माइनस का ए बी, ये घटाने का चिन्ह। अब हम क्या घटाएंगे, देखो 1 को 20 से गुणा किया ए बी और 1 को माइनस 5 से गुणा किया माइनस का 5a, ठीक है। अब देखो 5b माइनस का ए बी, कोष्ठक खोलूंगा तो ये माइनस का ए बी, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 5a, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, ये माइनस का ये देखो 5a, पहले ये लिख दो, प्लस 5b ये लिख दो, माइनस का एक ए बी, माइनस का एक ए बी, ये दोनों समान पदों में है, ये भी ए बी के पद में, ये भी ए बी के पद में, तो माइनस का 2ab हो गया, एक ए बी और एक ए बी, 2ab हो गया माइनस का। देखिए 5 नंबर, अब इसमें लिखा 4m² माइनस का 3mn प्लस के 8 में से हमको घटाना है माइनस का एम स्क्वायर प्लस का 5mn। तो देखो बच्चों कैसे घटाएंगे हम, जरा ध्यान पूर्वक समझना, 4m² माइनस का 3mn प्लस का 8, ये घटाने का चिन्ह। अब कॉस्ट लिखो, ये सारी संख्या माइनस का एम स्क्वायर, बाद संख्या कॉस्ट लिखेंगे, प्लस का 5mn, इसको हम घटाएंगे। अब आप कॉस्ट खोल दीजिए, 4m² माइनस का 3mn वैसा का वैसा आ गया, प्लस 8 भी आ गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, कोष्ठक खोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो प्लस का एम स्क्वायर
प्लस और माइनस मिलकर माइनस का 5 mn। अब देखो बच्चों समान पदों को साथ साथ लिखेंगे, 4m² इसके साथ में प्लस का m², ये माइनस का 3 mn, इसके साथ माइनस का 5 mn, लास्ट में लिखेंगे प्लस का 8। तो देखो ये भी m², ये भी m² के पदों में है, तो 4m² 1m² मिलकर बन जाएगा 5m². अब देखो ये भी mn के पदों में, ये भी mn के पदों में, तो माइनस का 3 mn माइनस का 5 mn मिलकर हो जाएगा माइनस का 3 और 5 8 mn, ये प्लस का 8, ये आंसर आ गया बच्चों। अब देखो छठा सवाल, 5x माइनस का 10 में से घटाना है माइनस का x² प्लस का 10x माइनस का 5। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, बड़ा ही अच्छा तरीका मैंने आपको सिखाया है। 5x माइनस 10 ये घटाने का चिन्ह, अब जो क्वेश्चन के घटाएंगे उसको कॉस्ट लिख दो आप, माइनस का x² प्लस का 10x माइनस का 5, ये 5x माइनस 10 कोष्ट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा x², प्लस और माइनस मिलकर माइनस का 10x माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 5। अब वही बात हम सजातीय पदों को साथ साथ लिखेंगे बच्चों, पहले x² लिखेंगे, अब x की संख्या प्लस का 5x और ये माइनस का 10x हमने साथ साथ लिख दिया, दोनों समान पद में है। अब लिखेंगे माइनस का 10 और प्लस का 5, राइट। तो देखो ये x² और कहीं नहीं है, तो x² आंसर आ गया। अब इन दोनों की जोड़ बाकी करेंगे, 10x माइनस में है और ये 5x प्लस में है, तो घटा देंगे एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि समान पद है, ये भी x और ये भी x, चिन्ह अलग है तो घटा दो, 10x से 5x ये, तो 5x बचेगा माइनस का। अब देखो ये अचर है, अचर माइनस का 10, अचर प्लस का 5, तो घटा दो 10 से 5 ये, तो माइनस का 5, ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास में, ठीक है। इस प्रकार मैंने आज आपको कितने सवाल बता दिए, इसके 6 सवाल बता दिए। अब देखो बच्चों इसके बाद हम सीखेंगे सवाल नंबर, इसका 7वां सीखेंगे अपन, तो देखना जरा ध्यानपूर्वक, ये भी सवाल नंबर 7। इसमें लिखा है 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² में से घटाना है 5a² माइनस 7ab प्लस 5b². तो देखो बच्चों संख्या लिखिए 3ab माइनस का 2a² माइनस का 2b² में से घटाना है 5a² माइनस का 7ab प्लस का 5b². देखो कैसे घटाएंगे हल, संख्या लिख रहा हूं यहां से लेके यहां तक, 3ab माइनस का 2a² माइनस का 2b². अभी घटाने का चिन्ह लगा दिया अपन ने, घटाने का चिन्ह लगाने के बाद ये संख्या कॉस में लगा दो आप, 5a² माइनस का 7ab प्लस का 5b², ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था कि घटाने की जगह घटाने का चिन्ह लगा दिया मैसे की जगह, अब ये संख्या हम घटाएंगे तो इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा, जिस संख्या को हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाता है, राइट। देखो बच्चों 3ab ये माइनस का 2a² ये माइनस का 2b², ठीक है। अब देखो इसमें से हम घटाएंगे ये संख्या, ये प्लस की है तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा यहाँ पे 5a²,
ये 5 इसको माइनस का गया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा 7ab, ये प्लस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा माइनस ये 5b² राइट। अब हम लिखेंगे सजातीय पदों को साथ साथ। देखो बच्चों पहले ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर साथ लिख दो आप, ये भी ए स्क्वायर का पद है और ये भी ए स्क्वायर का पद है राइट। तो लिखो माइनस का 2a², फिर माइनस का 5a². अब हम लिखेंगे बच्चों ये बी स्क्वायर का पद ये है और ये है राइट। तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 2b² और ये माइनस का 5b² राइट। अब हम लिखेंगे बच्चों इसके बाद में ये ए बी वाले पद 3ab+ 7ab+ और 7ab+। देखिए 3ab माइनस का 2a² माइनस का 2b², फिर घटाएंगे 5a² माइनस का 7ab+ 5b² इतना आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास क्या दोनों ए स्क्वायर के पदों में ये भी ए स्क्वायर ये भी स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 7a² हो गया। ये बी स्क्वायर के पदों में है तो ये माइनस का 2 माइनस का 5 मिलकर रह जाएगा माइनस का 7b². इसके बाद में ये ए बी के पदों में है दोनों संख्या तो 3ab+7ab मिलकर हो जाएगा 10ab। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों राइट। इसके बाद देखो इसका एक 8वां सवाल है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए बच्चों इसका ये आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8। इसमें लिखा 5p² + 3q² - pq, इसमें से घटाना है 4pq - 5q² - 3p². देखिए बच्चों कैसे घटाएंगे, पहली संख्या लिखेंगे 5p² + 3q² - pq। अभी मैं से की जगह लगाएंगे घटाने का चिन्ह, कोष्टक में 4pq - 5q² - 3p². अब देखो बच्चों पहली संख्या वैसी की वैसी लिख देंगे पुनः 5p² + 3q² - pq। अब घटाएंगे संख्या तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा ये 4pq, यह माइनस और यह माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 5q², यह माइनस और यह माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 3p² राइट। पहले पहले तो हमने क्या किया मैसी की जगह माइनस का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद जो संख्या को घटानी है देखो मैसी की जगह माइनस का चिन्ह लगा दिया और जो संख्या को घटानी है उसको कोष्ट में रख दिया। दूसरे में क्या करेंगे हम कोष्ट को खोल देंगे, कोष्ट खोलेंगे नियम सिखा दिया, कोष्ट के बाहर का चिन्ह और कोष्ट के अंदर का चिन्ह गुणा होता है, समान चिन्ह होते हैं तो प्लस बन जाता है और असमान चिन्ह होता है तो माइनस बन जाता है। अब सजातीय पदों को साथ साथ रखेंगे हम, देखो यह p² यह p² साथ साथ रखिया 5p² + 3q², इन दोनों को हमने साथ साथ लिख दिया p² के पद वालों को। अब q² के पद वालों को साथ साथ लिखेंगे 3q² + 5q² + यह 3q² यह प्लस 5q² तो पहले हमने p² के पदों को साथ साथ लिख दिया बच्चों, देखो 5p² 3p² ये पी है बच्चों, एमपी ये पी है ना, ध्यान देना पी है। तो 5p² + 3p² फिर 3q² और प्लस का 5q² लिख दिया।
अब हम इस पी क्यू के पदों को साथ साथ लिखेंगे, ये माइनस का एक पी क्यू और ये माइनस का चार पी क्यू, ठीक है। हमने यहां ये पी स्क्वायर के पदों को साथ लिख दिया, यहां क्यू स्क्वायर के पदों को साथ लिख दिया, यहां हमने पी क्यू के पदों को साथ लिख दिया, जिससे कि हमको जोड़ने में आसानी रहेगी बच्चों, राइट। अब देखो ये दोनों समान चिन्ह हैं, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो समान चिन्ह होते हैं और समान पद होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। ये भी पी स्क्वायर का पद, ये भी पी स्क्वायर का पद, दोनों प्लस के हैं तो पांच प्लस तीन आठ हो जाएगा, ये हो गया आठ पी स्क्वायर प्लस ये तीन क्यू स्क्वायर पांच क्यू स्क्वायर मिलकर हो जाएगा आठ क्यू स्क्वायर। अभी दोनों माइनस के पी क्यू है, ये भी पी क्यू के पद, ये भी पी क्यू के पद, दोनों माइनस है तो माइनस का चार और एक पांच, पांच पी क्यू, राइट। तो ये हो गया आठ पी स्क्वायर प्लस आठ क्यू स्क्वायर माइनस का पांच पी क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ ही बच्चों आज मैंने इसका बारह बार दो प्रश्न के तीसरे सवाल के पूरे आठ सवाल आपको हल करवा दिए हैं और मैं आशा कर सकता हूं कि आज आपको बताया गया सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।